यवतमाल जिले के दिगरी शहर में एपीजे अब्दुल कलाम फोरम की ओर से शनिवार को शहर के मेमन जमात खाना में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं सहित ग्रेजुएशन कर रहे मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मंच पर सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष निजामुद्दीन शेख, वाशिम जिले के ट्रेजरी अधिकारी यूसुफ शेख, महफूज खान आदि बतौर वक्ता और मार्गदर्शक के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। इस दौरान माननीय वक्ताओं ने स्पर्धा परीक्षा सहित करियर नौकरी आदि के संबंध में उपस्थित विद्यार्थियों का मौलिक मार्गदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम फोरम के पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने विशेष परिश्रम लिया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों और अभिभावकों का उम्दा समर्थन मिला है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और फोरम सदस्यों सहित शहर के पत्रकार और नागरिक भी प्रमुखता से उपस्थित थे। जिसमें से जो पदे ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भरे जाती है और ये 27 में इसको होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, इनको भारत भर इंडिया में हर जगह पे इनको पोस्टिंग करने का चांस मिलता है और उनका पोस्टिंग एक जगह पे नहीं होता है, उनका जो ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट डायरेक्ट, इतना बड़े बड़े पोस्टिंग होते हैं। कम से कम वो जहाँ पे पोस्टिंग होती है जो यूपीएससी से पास होते हैं तो उनका एक एक डिस्ट्रिक्ट के वो हेड होते हैं, कभी 10 साल की सर्विस के बाद में पूरे स्टेट के हेड होते हैं। मतलब इतने अच्छे चांसेस आपको ओपन चांसेस इस ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विसेज है जो क्लरिकल, जो मैंने नीचे वाले बोला था मिडल ऑर्डर ऑफिसर्स और नीचे वाले क्लर्क, इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स होती है जिसमें तकरीबन पहले 9 डिविजन्स में 9 जोन में एग्जाम होती थी, अभी मैं अपडेट नहीं हूँ, 9 जोन थे जो स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम करते थे। कहीं पर भी नहीं बना, एहतजाज में हमारी बच्चियां सबसे आगे रही। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चियां तालीम के मैदान में भी आगे आए। तालीम के मैदान में बच्चियां आगे आने से क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिग्रस में पहली बच्ची मेरी MBBS में गई, उसका नतीजा ये निकला कि मेरे फैमिली के बाकी बच्चे आगे आगे आते गए, निकलते गए। आज मेरे खानदान के अंदर में 40 बच्चे MBBS। BCN News के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।